सीरियस वाले जो बंदे हैं ना कि औकात की बात वो ये है, मुझे इतने गंदे लगते हैं। इन लोगों ने इंडिया का मजाक उड़ाकर बहुत किया था, गलत किया है। तो हे वेलकम बैक गाइज, वेलकम करता हूँ हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो गाइज आज हम बात करने वाले फ्री फायर इंडिया वर्ल्ड सीरीज के बारे में, इंडिया को क्यों नहीं लिया है, इंडिया रिंग में अभी टाइम में इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है, और टेक पर हॉर्स ने किस किस यूट्यूबर के ऊपर मुकदमा किए हैं। यार ऐसा ही और बहुत सारे अपडेट इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। अगली न्यूज बॉस गिल्ड के बारे में है। बॉस गिल्ड आज से कुछ दिन पहले पूरा वर्ल्ड में नंबर वन पे था। यार अभी टाइम में इंडिया का गिल्ड बॉस ऑफिशियल सेकंड नंबर पे है, जो कि दूसरे सर्वर के लोगों ने इंडिया को मजाक बनाते हुए कुछ ऐसा बोला। क्या आप लोगों को पता है कि मीना सर्वर वाले हमारे इंडियन सर्वर के बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं? आज की वीडियो में आप लोगों को जो मीना सर्वर के बारे में दिखाने वाला हूँ ना, आप लोगों का दिल टूट जाएगा। आप लोग सोचोगे यार हम लोग इनके सर्वर को इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं और ये हमारे इंडिया के बारे में ऐसा बोलते हैं। गाइस आप लोगों को पता है हमारी बॉस गर्ल, इंडिया की बॉस गर्ल पूरे दुनिया में, पूरे ग्लोबल में टॉप नंबर वन पर थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी के टाइम में बॉस गर्ल नंबर वन पर नहीं है, बॉस गर्ल नंबर टू पे है ग्लोबली। और नंबर वन पर आ चुकी है एक न्यू गर्ल जिसका नेम है न्यू एक्स स्टार्स। ये मीना सर्वर की गिल्ड है और ये रही इस गिल्ड के लीडर की प्रोफाइल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस गिल्ड के लीडर ने अपने बायो में कुछ अपनी अरबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे इस अरबिक लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ इसने लिखा हुआ है, फाइनली इंडिया लीड ओवर दी वर्ल्ड इज फाइनली वाइडनिंग। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर ग्लोबल का स्क्रीनशॉट डालते हुए एक स्टोरी लगाई है जहाँ पे इन लोगों ने अपनी अरबिक लैंग्वेज में बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, चलो उसको ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोगों ने सबसे ऊपर लिखा हुआ है, देयर इज समथिंग अबव ब्रिक वन ऑफ माय वर्ल्ड दैट वी विल सी फॉर हिम गॉड आई एम वॉरिड ऑफ इंडिया। और ठीक इसी स्टोरी के नीचे इन लोगों ने अपनी अरबिक लैंग्वेज में कुछ और भी लिखा हुआ है, जिसको अगर ट्रांसलेट करें तो यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है, वी वाइडन द गैप विद इंडिया वेटिंग फॉर द मोमेंट ऑफ देयर सरेंडर एज दे आर स्टिल देयर दे ट्राई। और साथ में एक लाफिंग इमोजी भी, यानी कि ये लोग इंडिया के ऊपर हंस रहे हैं, इंडिया का नाम लेकर हंस रहे हैं। ये सब देख के ना मेरा दिमाग खराब हो गया था, ये सब देख के मेरे को इतना तो गुस्सा आ रहा था ना, अभी भी आ रहा है। ये सब लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने अभी अपने इंडिया की बॉस गर्ल को बीट करके ग्लोबल टॉप नंबर वन कर लिया है। इन लोगों ने हर जगह इंडिया का नाम यूज किया, बॉस का नाम कहीं पर भी इन लोगों ने यूज नहीं किया। अब चाहे बोले सब इनकी प्रोफाइल का बायो हो या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी, इन लोगों ने कहीं पे भी बॉस के बारे में नहीं लिखा, लिखा है तो सिर्फ हमारी इंडिया के बारे में। अगर ये लोग अपने बारे में इस तरीके से लिखते हैं कि हम लोगों ने बॉस गर्ल को बीट कर दिया है, अगर ये लोग अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ऐसे लगाते कि हम लोग बॉस वालों से बोर आ चुके हैं, बॉस गर्ल वाला भी हम लोगों को कभी बीट नहीं कर सकते, तो ये बात सिर्फ हमारे तक रहती। लेकिन इन लोगों ने कहीं पर भी बॉस गर्ल का नाम यूज नहीं किया, नाम यूज किया तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का। बिंजेट गेमिंग के बारे में, बिंजेट गेमिंग के लाइव स्ट्रीम पे एक बंदा पूछता है कि बिंजेट भाई और क्रिएटर आपके ऊपर हेटफुल वीडियो बनाने वाले, तो बिंजेट भाई कुछ ऐसा रिप्लाई, बिंजू भाई आज गुस्सा दिखा रहा है, अभी बिंजू भाई को शॉर्ट्स क्रिएटर रोस्ट करने वाले। अरे भाई लोग समझते नहीं है भाई, बंदा दो दिन बाद लाइव करने आया है, आते ही होते ना, मतलब हाल चाल अपना बताओ कैसी चल रही है जिंदगी, बाकी सब रहने दो भाई। ये सीएस वाले जो बंदे हैं ना कि औकात की बात वो ये है, मुझे इतने गंदे लगते हैं ना ये लोग, जो एक दूसरे को मतलब सिर्फ घमंड की वजह से चैलेंज करते रहते, मैं तो घंटा नहीं पूछता ऐसे लोगों को भाई। दिल के अच्छे बनो भाई, गेम का क्या है, आज एक कल नहीं होगा, तुम मेरे को बताओ अपना हालचाल कैसी चल रही है जिंदगी भाई, लोग सब कैसा चल रहा है, मजे में हो ना सब। अगली न्यूज टेक प्रो हर्ष के बारे में, फाइनली टेक प्रो हर्ष ने अपने चैनल पे सेकेंड पार्ट करके एक वीडियो अपलोड किया था। उस पार्ट में उन्होंने बोल रहा है कि किसने किसने मेरे चैनल पे अटैक मारा। एनी टेक पर हर्ष ने ये भी बोला कौन कौन यूट्यूबर को उन्होंने मुकदमा किया है, जिससे कि आप लोग ये वाली छोटी सी पार्ट को देख सकते हैं। होगा कि मेरे सेकंड चैनल पे चार चार फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स पुट करवाई गई थी, एंड यूट्यूब टीम ने उनको बिना वेरीफाई किए ही मेरे चैनल पर पुट कर दिया था। अब इस चीज में मुझे यूट्यूब टीम की फॉल्ट लग रही थी कि उनसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, इसीलिए मैंने यूट्यूब के ऊपर भी लॉ सूट फाइल किया है। बट इस चीज से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, एंड यूट्यूब टीम ने इस चीज का क्लेरिफिकेशन भी दे दिया। आखिर इतनी बड़ी टीम ने चार चार फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स इतनी लापरवाही के साथ सब कुछ जानते हुए भी मेरे चैनल पर आखिर क्यों? और आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिर अभिषेक मिश्रा यानी कि स्काई लॉर्ड के भाई के ऊपर लॉ सूट क्यों फाइल किया गया है। देखो तो अगले न्यूज फ्री फायर इंडिया वर्ल्ड सीरीज के बारे में है। फिर इंडियन सर्वर को वर्ल्ड सीरीज से क्यों हटा दिया गया है, इसके बारे में गेमिंग वाला ने प्रॉपर्ली बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग ये वाली क्लिप को देख सकते हैं। लोग मुझसे पूछेंगे इंडिया का क्या सीन है, देखो मैं ये बताना चाहूंगा, इंडिया को ऐसा नहीं है कि दरकिनार कर दिया गया है, इंडिया में जैसी गेम आएगी उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या सीन चल रहा है। क्योंकि एक्चुअल में अगर हम बात करेंगे, रोड मैप अभी जो अनाउंस करा भी जाएगा या फिर आएगा भी वो आधा अधूरा होगा, जैसे इंडिया आएगा काफी सारी चीजें आपको रोड मैप पे चेंज देखने को मिलेंगे मुझे लगता है, क्योंकि भाई काफी टाइम हो चुका है और इंडिया के अंदर एक्चुअल में अगर हम बात करेंगे स्किल पोटेंशियल किसी भी कंट्री से बहुत ही ज्यादा नजर आता है हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करेंगे दूसरी साइड, एक इंडिया एक चीज है ना कि भाई व्यूअरशिप के मामले में भी, एक अगर बात करेंगे ऑडियंस पोल के मामले में ना, एक बहुत बड़ा ऑडियंस रखता है। एंड अगर हम बात करेंगे देखो इस बार साफ गरीना फ्री फायर को पता भी चल गया होगा, 2023 में जो हमारा फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज हुआ था, फॉल सीजन एक ही सीजन कर रहा था इस बार,
इंडिया कितनी बड़ी दावेदारी रखता है कि भाई इंडिया की अगर ऑडियंस नहीं देखी, अगर कम देखेगी तो वर्ल्ड सीरीज की व्यूअरशिप कितनी तेजी से डिक्लाइन हुई। और भी रीजन है, सीआईएस, यूरोप नहीं देख रहा है, कई सारी कंट्रीज नहीं है, बट इंडिया एक मेजर पोल लगता है ऑलवेज व्यूअरशिप में, तो इस चीज को कंक्लूड करना जरूरी है। आप गाइस, आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। तो यार अगली न्यूज देसी गेमर अमित भाई के बारे में है। पहली देसी गेमर अमित भाई इंडिया टू चाइना के बॉर्डर पर घूमने के लिए गए हुए थे। इस ब्लॉग वीडियो में जो अमित भाई दिखाई आप लोग थोड़ी सी पार्ट को देख ही सकते हो। काफी ज्यादा लोग घूमने के आते हैं क्योंकि काफी खूबसूरत जगह है यार। भाई यहाँ से आप लोग चाइना को लिटरली कितना नजदीक देख सकते हैं। आप देखो यहाँ पर ऊपर जो आपको ये छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ चाइनीज फ्लैग दिख रहा है, ऊपर के साइड जितने भी घर है वो सब चाइना है, ठीक है। और नीचे की साइड अपना इंडिया है, जैसे आप लोग देख सकते हो वहाँ पर एक बैरिकेड लगा हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों को ऊपर की साइड जाकर दिखाता हूँ, इंडिया चाइना एकदम नजदीक बॉर्डर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो कितने सारे टूरिस्ट यहाँ पर घूमने गए हैं। और यहाँ पर देखो हम लोग आ चुके हैं इंडिया चाइना के बिल्कुल सेंटर बॉर्डर में, वहाँ पर चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है। तो यार आज का न्यूज बस यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करना और आज चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लेना। एंड भाई तब तक लिए बाय बाय।